गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आवर टॉपिक प्रोनाउन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 38, एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट एक्सरसाइज इज हेयर, फिल इन द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. वी हैव टू फिल हेयर पर्सनल प्रोनाउन. सो इन फर्स्ट सेंटेंस, टेक दिस पेंसिल एंड गिव इट. तो इट किसके लिए यूज़ हुआ है? पेंसिल के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे इट फिल किया. सेकेंड सेंटेंस में डैड के लिए, डैड के लिए हमने क्या फिल किया यहाँ पे? ही. मूविंग टू अवर थर्ड सेंटेंस, गुड मॉर्निंग टीचर मे आई. यहाँ आप परमिशन ले रहे हैं तो गुड मॉर्निंग टीचर के बाद मे आई. ओके, आई वी यूज़ हेयर आई इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, टू हाय टॉम एंड शेली, When did you arrive? तो ये उन दोनों से पूछा गया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे you का यूज़ किया है, ना कि Tom और Shelley. टू देखने के बाद हमने यहाँ पे we का यूज़ किया. तो उनके लिए क्वेश्चन है कि आप यहाँ कब पहुँचेंगे, तो हमने you का यूज़ किया. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, my twin sister and I. मैं और मेरी जो ट्विन सिस्टर है, उसकी जुड़वा बहन है, दोनों एक जैसे दिखती हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, shoes. शूज इज हेयर, सो वी यूज़ them. तो ये प्लूरल था तो हमने यहाँ पे them का यूज़ किया. नाउ मूविंग टू अवर बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन. इन सेंटेंसेस में हमें पोजेसिव प्रोनाउन को फिल करना है. पोजेसिव क्या होता है? जिस पे हमारा हक या हमारा राइट या अधिकार होता है, उन प्रोनाउन्स को पोजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है. फर्स्ट सेंटेंसेस हेयर, सोफ़ी हैज़ डन हर होमवर्क. हैज़ करीना डन हर्स? तो करीना गर्ल थी तो उसके लिए हमने यहाँ पे हर्स पोजेसिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज़ किया. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इफ़ यू बोथ ब्रिंग योर बैट्स, वी के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? अवर्स. शीला, दिस पेन इज माइन. तो यहाँ मी नहीं माइन आएगा. मी हमारा किससे रिलेट करता है? पर्सनल प्रोनाउन से हमारा रिलेट करता है. पर्सनल प्रोनाउन से वो रिलेट करता है, तो हमें यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन भरना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइन. दैट वन इज़ योर्स, दिस इज़ आल्सो पोजेसिव प्रोनाउन. लास्ट फोर्थ सेंटेंस, करण सेज दैट दिस शर्ट इज़ हिज. तो ये पोजेशन है उसका, हक है उस शर्ट पे, तो करण के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? हिज. नेक्स्ट सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पर्सनल और पोजेसिव. दोनों में से एक आपको फिल करना है. यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. व्हाट आर यू डूइंग मोहन? मोहन तुम क्या कर रहे हो? तो मोहन क्या रिस्पॉन्स कर रहा है? आई एम रीडिंग द लेटर माई मदर हैज़ रिटन टू मी, जो मेरी मदर ने मेरे लिए लिखा है. सेकेंड सेंटेंस, कैन आई सी योर नोटबुक रमेश? तो आपको यहाँ ये नहीं चेक करना कि आई था तो हमने यहाँ पे मी फिल करना है. यू हैव टू जस्ट रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड देन फिल द फिलअप. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट फिलअप, मैडम आई एम मेकिंग अ न्यू नोटबुक. मैडम मी तो नहीं होता ना बेटा, तो मैडम के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? आई एम मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे एम था तो इसे देखते हुए भी हमने यहाँ पे आई फिल करना है. A new book, where is your old notebook? आपकी old notebook कहाँ है? तो my record says you have never got your notebook checked for over a month now. Next third part, can you see the gentleman in blue? Yes, who is he? तो जो person होते हैं gentleman, यहाँ पे human है तो उसके लिए हमने यहाँ पे किसका use किया? He का. Now moving to our next fill up. Here is well he. तो he किसके लिए था यहाँ पे? Gentleman के लिए. तो gentleman है इसलिए हमने यहाँ पे he का use किया है, she नहीं. ये पिछले part से ही relate करता है. Is our new boss. ठीक है. The lady. His right is his wife, जो उनके साइड पे बैठी है वो उनकी वाइफ है. सभी यहाँ पे जेंटलमैन के लिए था तो हमने यहाँ पे ही और हिज का यूज़ किया है. एंड हु इज़ द वुमेन टॉकिंग टू देम? वो औरत कौन है जिससे वो बातें कर रहे हैं? वेल शी इज़ अवर बॉस न्यू सेक्रेटरी. ओके, नेक्स्ट फोर्थ,
रमेश एंड सुरेश आर ग्रेट फ्रेंड्स, तो टू पर्सन्स थे, इसके लिए यहाँ कौन से प्रोनाउन का यूज़ हुआ, दे। स्टडी इन द सेम क्लास, एवरी वन एडमायर देयर फ्रेंडशिप, सभी उनकी फ्रेंडशिप की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इस सेंटेंस इस पार्ट में आपको क्या फिल करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जिसमें हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इनका यूज़ करते हैं। दे जनरली रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो वापस उसी जो हमारा सब्जेक्ट था उसी के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। जैसे अब फर्स्ट वाला सेंटेंस है, शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हर, तो ये इसी के बारे में बात है, तो हर सेल्फ, टू ब्लेम हर फेलियर, वो अपने आप को ब्लेम कर रही है। तो जो सब्जेक्ट होता है उसी को, उसी के बारे में उसी की वापस बातें, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट सेकेंड, व्हाई डिड यू, यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, योर, और इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, दे आर ग्रोन अप, दे कैन टेक केयर ऑफ देम सेल्व, दे के साथ देम का यूज़, उसके साथ वी ई एस, ही के साथ किसका यूज़, हिम का, वॉर इट, अब यहाँ पे इट था तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, इट सेल्फ, ओके। नाउ सिक्स सेंटेंस, वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट आवर सेल्व्स, हमें खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, फैबुलस सक्सेस। नेक्स्ट ई पार्ट, इन दिस ई पार्ट हेयर इज सम मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस, वी हैव टू करेक्ट देम। आई एम राइटिंग आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, वी के साथ आवर सेल्व्स। सिक्स्थ में लास्ट, ही के साथ किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, हिम का, ओके। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज।